बच्चों आज हम चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 10 त्रिकोणमिति क्या परिचय के बारे में जानकारी देंगे। स्टैंडर्ड 9 में आपने स्टडी किया है, वो बेसिक था, थोड़ा सा उससे अपग्रेड है। ये एक त्रिभुज है और ये जो है 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। ये 90 डिग्री है, इसके तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। पहला शीर्ष बिंदु जिसे हमने नाम दिया ए, आप दो चाहे नाम दे सकते हैं, जिसे वर्टेक्स भी कहा जाता है। ये शीर्ष बिंदु है और इसे हम बी कहते हैं। और तीसरा शीर्ष बिंदु है, इसे हम सी कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, ये आप जानते हैं, और इसकी तीन भुजाएं भी होती हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तीन कोण होते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा। ये 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसे हम जानते हैं कर्ण, उसे हम कर्ण कहते हैं। बाकी दो भुजाएं अक्सर जब भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तो वहां 90 डिग्री का यूज सबसे ज्यादा होता है और उसमें पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप जानते हो, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 90 अंश के कोण के ठीक सामने का भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, इसे नाम दिया ए सी का वाई बराबर। बाकी दो भुजाओं के वर्ग, जैसे भुजा ए बी इसका वर्ग और दूसरा भुजा है बी सी इसका वर्ग, उसका जो, तो दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि आप कोण सी की जानकारी चाहते हैं, कोण सी, तो त्रिबिंदु अनुपात पर आपको जाना पड़ेगा, जिसे त्रिकोणमिति फलन में त्रिबिंदु फलन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें सबसे पहले आता है, जैसे कोण सी के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो कोण सी में सबसे पहले आता है साइन सी। मान लीजिए आप साइन सी, क्या आता है साइन, एक्चुअली इसका रियल नाम है एस आई एन एस आर, पर इसका शॉर्ट नाम है ई को हटा दिया जाता है, एस आई एन एस आर। उसी तरह से आता है कोसा, कोसा, तो कोसाइन कोस का यूज करते हैं और आई एन ई बाद में उसे हटा दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में रखा जाता है। वो हायर लेवल का भी स्टडी करोगे, अभी नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन सी क्या होता है। उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सी के सामने की भुजा, यानी इससे जिसे हम कहेंगे सी के कोण सी, कोण सी के सामने की भुजा, सामने की भुजा, कोण सी के सामने की भुजा इसे कहते हैं। और ये जो है इसे कहेंगे कोण सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोण सी के संलग्न की भुजा कहते हैं, कोण सी के संलग्न की भुजा, कोण सी के सामने की भुजा, कोण सी से संलग्न भुजा, और ये कर्ण होता है, आप इसके बारे में जानते हैं। कोण सी के सामने की भुजा को लंब भी कहा जाता है, इसे लंब भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं या एल्टीट्यूड भी कहते हैं। इसे कहते हैं कोण सी के संलग्न की भुजा, जब आप आगे जाओगे जिसे हम कहते हैं आधा, क्या कहते हैं, इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और पास की भुजा को आधार कहते हैं। एग्जाम में कैसे आप सॉल्व करोगे, सिंपल वे में कैसे सॉल्व करोगे, तो हमेशा याद रखें
जो साइन का संबंध होता है वो हमेशा लंब के साथ होता है, और जो कोस का संबंध होता है यानी हम कोस जी, इसका संबंध हमेशा आधार के साथ होता है। और एक होता है टेन जी, टेन जी का जो संबंध होता है लंब और आधार के साथ होता है। सबसे पहले साइन के पास आते हैं, जब हम कहते हैं लंब तो उसका मतलब आप समझता कि कोस जी के सामने की भुजा, जब हम कहेंगे आधार तो उसका अर्थ बनता कोण सी के संबंध की भुजा। अब साइन सी का सूत्र, साइन सी का जो सूत्र होता है इसके सामने की भुजा अपॉन कर्ण, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन सी का जो सूत्र होता है कोण ए कोण सी के सामने की भुजा, उसकी जगह हम लिखते हैं लंब। क्या लिखते हैं? आप चाहो तो कोण सी के सामने की भी भुजा लिख सकते हो और चाहो तो आप लंब भी लिख सकते हो। तो मैं लंब का यूज करता हूँ, थोड़ा सकते और थोड़ा आसान पड़ेगा। तो साइन सी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला एग्जाम में, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन का संबंध हमेशा लंब के साथ होता है। उसके बाद आती है कोस, कोस सी का होता है, कोस का संबंध हमेशा आधार के साथ होता है, इसलिए हम लिखेंगे